दृढ़ प्रतिज्ञ स्वतंत्रता के पुजारी वीर महाराणा प्रताप की जन्मभूमि झीलों की नगरी उदयपुर में कैप्टन सत्येंद्र सांगवान, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद कैप्टन साहब। आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की? मैंने अपनी शिक्षा स्नातक करने के बाद आर्मी में कमीशन लिया और उसके बाद अपने ही लेवल पर MBA और बाद में कंप्यूटर्स की एजुकेशन प्राप्त की। जैसा कि अभी आपने बताया तो उससे ऐसा लगता है कि आपने प्रशासनिक सेवाओं में जाने की शिक्षा प्राप्त की, पर आपने सेना में सर्विस ज्वाइन की, इसके क्या कारण रहे? यह जो MBA और कंप्यूटर्स की शिक्षा है यह मैंने सेना ज्वाइन करने के बाद प्राप्त की, लेकिन शुरू से ही मेरा रुझान सेना की तरफ था, इसलिए मैं सेना पहले ज्वाइन कर ली। आपको सेना में जाने की प्रेरणा किससे मिली? मेरे पिताजी मास्टर वारंट ऑफिसर दयानंद सांगवान पहले से ही वायुसेना में कार्यरत थे और मेरे बड़े भ्राता जो कि डॉक्टर हैं वो और मेरी माता श्री, उनसे मुझे यह प्रेरणा सेना में जाने के लिए मिली। जी, आप सेना में कब भर्ती हुए? मैं मार्च 1996 में सेना में कमीशन प्राप्त किया। कैप्टन सांगवान, जैसा कि आपने बताया कि मार्च 96 में आप सेना में भर्ती हुए, तो आप ये बताएं कि इतनी कम सर्विस होने के उपरांत भी आपको कारगिल क्षेत्र में जाने का अवसर मिल गया, इसके क्या कारण थे? मार्च 96 में कमीशन होने के बाद जी पठानकोट में मेरी पहली पोस्टिंग थी जी। उसके बाद हमारी पूरी रेजिमेंट को कारगिल क्षेत्र में सेवा करने का मौका मिला और कारगिल युद्ध से 2 वर्ष पहले हम वहाँ पोस्ट थे, जिस वजह से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ कि युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना के लिए लड़ूं। बहुत बढ़िया। क्या कारगिल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे? ज़रूर। कारगिल क्षेत्र में जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ बहुत सूखे पहाड़ जहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ दिखाई देती है जी, पहाड़ों पर 15 से 18 हज़ार की फीट की ऊंचाई होती है जी, तापमान 0 से 25 से 30 डिग्री नीचे होता है और वहाँ खाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है जी। कैप्टन सांगवान, आपकी दृष्टि में कारगिल युद्ध के क्या कारण रहे? क्या कारगिल वार के कोई विशेष संस्मरण आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे? ज़रूर। मेरी नज़र में कारगिल युद्ध सिर्फ पाकिस्तान के जो धोखेबाजी का रवैया है उसको दर्शाता है, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो 1972 में बनी थी वह आपस में एक समझौता था कि हम इस क्षेत्र को या इस लाइन को पार नहीं करेंगे। अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। अचानक शीतकाल में उन्होंने हमारे विश्वासघात करके हमारी इलाकों पर कब्जा किया जी। ये इन कारणों से यह कारगिल का युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया था। कोई विशेष संस्मरण? हाँ ज़रूर। युद्ध के मैदान में जब बटालिक सेक्टर में लड़ाई की शुरुआत हुई, उन दिनों किसी को यह नहीं जानकारी नहीं थी कि वहाँ कितने सैनिक हैं, पाकिस्तान के क्या हथियार हैं। उन सब की टोह लेने के लिए जब हमारी पेट्रोल वहाँ पहुँची जी, तो उस समय हमें लगभग 6 से 7 दिन बिना भूख बिना कुछ खाए हुए, जिनमें अंतिम 2-3 दिन तो हमें पीने को पानी भी नसीब नहीं हुआ। ऐसे समय में जो हमारे सैनिक शहीद हो गए थे शुरू की गोलाबारी में जी, उनकी जो डेड बॉडीज थी उनको निकालना और अपनी जान पर खेल कर उनके शवों को वापस लेके आना जी, और ऐसी परिस्थितियों में रहते हुए जो कि पूरी तरह से अमानवीय हैं, अपने साथियों का हौसला बढ़ाना, अपने देश की रक्षा करने के लिए वहाँ डटे रहना, यह सब जो आज भी मैं याद करता हूँ तो मुझे अपने पर विश्वास नहीं होता।
कैप्टन साहब, सेना में अलग अलग नाम से रेजिमेंट बनी हुई है जी, जैसे राजपूताना राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट्स, जाट रेजिमेंट्स, तो क्या युद्ध के दौरान ये सभी बटालियनें एक साथ मिलकर मोर्चा बंदी करती है या अलग अलग मोर्चों पर? यह जो अलग अलग नाम से रेजिमेंट्स बनाई गई हैं ये अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही हैं। अच्छा अच्छा और ये जो रेजिमेंट्स जब इकट्ठा हमला बोलती हैं तो इनके अंदर कोई अलग अलग डिप्लॉयमेंट नहीं होता है, ये सब इकट्ठे मिलकर एक बंद होकर मुट्ठी जैसे हमारी मजबूत होती है उस तरह दुश्मन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें परास्त करते हैं। कैप्टन साहब, आप ये बताएं कि कारगिल युद्ध में हमारे देश को ज़्यादा क्षति हुई या पड़ोसी देश पाकिस्तान को? मेरे विचार में पाकिस्तान को हमारे बनिस्बत अधिक नुकसान पहुंचा, क्योंकि हमारे सेना ने जिस तरह से उनका नुकसान किया है और जिस तरह हमारे तोप के गोलों ने उनके सारी पोस्टों को ध्वस्त कर दिया है और हमारी भारतीय वायुसेना ने जो हिस्सा लिया है उसको देखते हुए पाकिस्तान का नुकसान अधिक हुआ है। क्या कारगिल युद्ध के दौरान शहीद होने वाले जवानों में राजस्थान वालों की संख्या ज़्यादा थी? जी हाँ, कारगिल युद्ध में शहीद होने वालों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनके अच्छा, लगभग तीनों राज्यों के बराबर ही रणबांकुरे शहीद हुए। आपका पांव कैसे क्षतिग्रस्त हुआ? पांव के अभाव में अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? 29 जून 99 को जब मैं काली पहाड़ी इलाके में रेकी कर रहा था, उस जगह हम कब्जा कर चुके थे और मुझे यह टास्क मिला था कि उस इलाके को ऑक्यूपाई करना है और आगे जो मिशन जाने हैं उनके लिए मुझे फायर सपोर्ट देना है। तो अपने जो सैनिक हैं उनको मैं पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि वह काफ़ी पीछे बिखर गए थे, आगे बढ़ा और इलाका देखा। इलाका देखने के बाद जब मैं नीचे अपने साथियों को लेने के लिए जाने लगा तो अचानक एक माइन के ऊपर मेरा पैर पड़ गया। अच्छा। और वह जो एंटी पर्सनल माइन थी। अच्छा। जिसके धमाके से मेरा पैर क्षतिग्रस्त हो गया। कैप्टन सांगवान, आपने व आपके परिजनों ने युद्ध के दौरान क्या अनुभव किया? युद्ध के दौरान मेरे परिजनों का लगातार मुझे संदेश मिलता था, प्रत्यक्ष रूप से मेरी कभी बात नहीं हो पाई, लेकिन नीचे कहीं किसी के पास मैसेज आता था और आकाशवाणी केंद्र नई दिल्ली से जो प्रसारण होता था उसमें हमारे परिजनों के पत्र पढ़ के सुनाए जाते थे और अच्छा। उस वजह से हमें हमेशा हौसला मिलता था और हमेशा हमें परिवार के सदस्यों की याद आती थी और वही हमें उत्साह और जोश दिलाता था। और जिस तरह से हमें इतना जोश था, मुझे पूरा यकीन था, और जब मैंने अपने परिवार वालों से मिला तो उनका भी यही विचार था कि उनके लिए बड़ी गर्व की बात है कि उनके परिवार का कोई सदस्य मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए अच्छा। मोर्चे पर लड़ रहा है। कैप्टन साहब, मात्र 29 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति लेने पर कैसा अनुभव कर रहे हैं? यह एक विचित्र सा अनुभव है कि मात्र 29 वर्ष की उम्र में मैं सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन मैं आज भी अपने आप को वैसा ही सैनिक महसूस करता हूं, क्योंकि जहां कहीं मैं गया अपने बाकी जो सेना की यूनिटों में, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं जी। और दूसरा, जो यहां पर जो सिविल लाइफ में जिस तरह से मुझे आदर सम्मान मिला है जी, तो ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं। आज भी मैं अपने आप को वही वर्दी में पाता हूं। सेना में प्रशिक्षण के दौरान क्या आपको महाराणा प्रताप या महाराणा सांगा के बारे में कभी कुछ बताया गया? जी हाँ, ये जब हम कमांडो कोर्स कर रहे थे, कमांडो कोर्स के दौरान जब हमें एम्बुश की जो सिखलाई दी जाती है और कम नफरी होने के बावजूद
अधिक से अधिक दुश्मनों को खत्म करने की जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें महाराणा प्रताप का नाम हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स ने हमारे सामने लिया, क्योंकि महाराणा प्रताप और महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ये दो हिंदुस्तान के ऐसे रणबांकुरे हैं जिन्होंने एक गुरिल्ला वॉरफेयर उसकी शुरुआत की और छापामार युद्ध की जो शुरुआत की, और वही ट्रेनिंग उन्होंने कहा कि हर कमांडो को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। आप एक कैप्टन के पद पर कार्यरत रहे, आपके अधीन 30-40 जवान रहते थे, क्या युद्ध के दौरान कभी ऐसा अवसर आया जब आपको अकेले ही कोई निर्णय लेना पड़ा हो? बिल्कुल, लड़ाई के मैदान में लगभग 2 महीने हमेशा मैं अपने इंडिपेंडेंट प्लटून, इसे जो 30-40 की जो नफरी है जिसको हम एक प्लटून कहते हैं, तो मैं इंडिपेंडेंट प्लटून कमांडर की हैसियत से काम किया, और वहाँ हर फैसला मेरा अपना निजी फैसला होता था, और उस फैसला वो फैसला लेते समय हर वक्त जो मेरे जवान हैं, जवानों का, उनके परिवार वालों का, और जो मुझे मेरे उच्च अधिकारियों ने जो कार्य दिया है उसको पूरा करने का लक्ष्य ध्यान में रखते हुए अपना फैसला लेना पड़ता था। कैप्टन साहब, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? इस समय मैं अपने कंप्यूटर्स की शिक्षा पूरी कर रहा हूँ, MSc कंप्यूटर साइंस मेरे द्वितीय वर्ष में पढ़ रहा हूँ। एक अंतिम प्रश्न आपसे, आप मेवाड़ के युवा साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेवाड़ की इस धरती में जहाँ इतने वीर योद्धा पैदा हुए हैं, उनकी जो सिखलाई है, आज भी भारतीय सेना उन्हीं रणबांकुरों की सिखलाई से प्रेरित होकर युद्ध के मैदान में उतरती है, और मेवाड़ के जो युवा साथी हैं वे बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो इस मिट्टी पर पैदा हुए, जिसके कण कण के अंदर बहादुरी के गीत हैं, और हमेशा वो दूसरों को अपनी बहादुरी से प्रभावित कर सकते हैं। कैप्टन सत्येंद्र सांगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे श्रोताओं को कारगिल युद्ध के बारे में जानकारी दी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।